ये है टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि अपने प्राइस के हिसाब से और भी कई सारे फोन से काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। यदि आपका बजट 15,000 तक है और आप ढूंढ रहे एक अच्छा सा स्मार्टफोन जो कि आपको हर काम इसमें हो जाए, चाहे इसमें आपको कैमरा अच्छा हो, चाहे बैटरी अच्छा हो, चाहे आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके लिए ये 5 स्मार्टफोन आज हम लेके आए हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको इनमें से एक फोन तो पक्का पसंद आएगा। तो यदि हम एक फोन में 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से हमें क्या क्या देखना चाहिए फोन में, तो हम इस वीडियो में मिनिमम क्राइटेरिया सेट किए हैं, उसके हिसाब से आपको इनमें 5 फोन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको 6.5 इंच का फुल HD वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले होना ही चाहिए, और साथ ही 6GB रैम और 128GB स्टोरेज तो होना ही चाहिए मिनिमम, और 5000mAh का बैटरी और कम से कम 33W का चार्जर तो होना ही चाहिए, और अंतुतु स्कोर कम से कम 4.5 लाख से ऊपर हो तो काफी अच्छी है, और एंड्रॉइड 14 तो होना ही चाहिए, और 2 से 3 साल का मिनिमम अपडेट हो जाए तो और अच्छा होगा। तो ये है हमारा मिनिमम क्राइटेरिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे हमारे पास मोटो G64 5G। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि IPS है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफी फास्ट है, और MediaTek के Dimensity 70256 NM प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, और साथ ही इसमें आपको 14 5G बैंड मिलता है जो कि नेटवर्क कनेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इसकी कैमरा की, इसमें आपको मिलता है रियर में 50MP का कैमरा और प्लस 8MP का कैमरा, और फ्रंट में आपको मिलता है 16MP का कैमरा। और बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज की, इसमें आपको मिलता है 8GB का रैम जो कि LPDDR4X रैम है, और 128GB का स्टोरेज जो कि UFS 2.2 है, और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा 6000mAh का बैटरी और 30W चार्जर के साथ आता है, और ये आता है एंड्रॉइड 14 के साथ और IP52 रेटिंग के साथ आता है, और इसमें आपको मिलता है स्टूडियो स्पीकर। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये फोन आपको मिलता है 13,999 में। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना क्योंकि आगे इससे भी धमाकेदार फोन आने वाला है जिसमें कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो नंबर 4 पे हमारे पास है 2 फोन जो कि पोको M6 प्लस है और साथ ही ये रेडमी 13 है, दोनों एक ही फोन है, सिर्फ नेम चेंज है बस। इसमें आपको मिलता है 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि IPS है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काफी फास्ट है। तो बात करें इसके प्रोसेसर की, इसमें आपको मिलता है Snapdragon का 4th Gen प्रोसेसर जो कि 2AE4NM बेस प्रोसेसर है, साथ ही ये 5G सपोर्ट के साथ आता है। तो बात करें अगर इसकी कैमरा की, जिसमें आपको मिलता है 108MP का रियर कैमरा और साथ ही 2MP का और 13MP का फ्रंट कैमरा आता है जो कि काफी अच्छे फोटो शूट के लिए काफी अच्छा कैमरा इसमें आपको मिलता है, और साथ ही आता है 8GB रैम जो कि LPDDR4X रैम है, और साथ ही इसमें आपको स्टोरेज मिलता है UFS 2.2 जो कि 128GB स्टोरेज इसमें आपको मिलता है, और 5030mAh का बैटरी मिलता है, और साथ ही 33W का चार्जर के साथ आता है, एंड्रॉइड 14 भी है, और साथ ही इसमें आपको 2+3 ईयर्स का आपको अपडेट मिल जाएगा, और साथ ही ये आता है IP64 रेटिंग के साथ। तो बात करें इसके प्राइस की, तो ये आप देख सकते हैं दोनों फोन का प्राइस। और नंबर 3 पे जो हमारे पास फोन है वो मार्केट में नया है लेकिन तहलका मचा कर रखा है, वो है हमारे पास CMF by Nothing Phone 1। और अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए फोन चाहिए तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और MediaTek के Dimensity 7300 प्रोसेसर है जो कि 4NM बेस्ड है, और इस फोन में आपको 7 5G का बैंड देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके कैमरा की, इसमें आपको मिल जाए रियर में 50MP प्लस 2MP का कैमरा, और साथ ही इसमें आपको मिलता है 16MP का फ्रंट कैमरा, जो कि कैमरा आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाएगा लेकिन ये फोन मेन परफॉर्मेंस के लिए है, और 6GB रैम जो कि LPDDR4X होगा, और साथ ही 128GB स्टोरेज जो कि UFS 2.2 है, और ये फोन आता है एंड्रॉइड 14 के साथ। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नंबर 2 पे हमारे पास Vivo T3X और IQ Z9X, ये सिर्फ आपस में रीब्रांड हो चुका है, बाकी सब कुछ आपको सेम ही मिलता है दोनों फोन में। इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और ये
IPS डिस्प्ले है और ये आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और इसमें आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और ये आता है स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर के साथ जो कि 4nm बेस्ड प्रोसेसर है। और इसमें आपको मिल जाएगा 7 5G बैंड का सपोर्ट जो कि कनेक्टिविटी में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इसकी कैमरा की, इसमें आपको मिलता है 50+2 megapixel का रियर कैमरा और 8 megapixel का फ्रंट कैमरा और 6GB का रैम जो की LPDDR4X रैम होगा और साथ ही 128GB का स्टोरेज और ये भी आपको UFS 2.2 का मिलेगा। ये आता है 6000mAh बैटरी के साथ और 44W चार्जर के साथ और एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा और साथ ही इसमें आपको 2+3 years का आपको अपडेट भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही आता है IP64 रेटिंग के साथ है। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नंबर वन पे हमारे पास रियलमी की तरफ से रियलमी P1 5G और नार्जो 70, ये दोनों फोन सेम ही है, बस आपको नेम चेंज मिलेगा और कुछ नहीं। बात करें इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो कि एमोलेड डिस्प्ले है और ये 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और साथ ही इसमें आपको 2000 nits का ब्राइटनेस मिलता है। और बात करें इसके प्रोसेसर की, इसमें आपको मिलता है MediaTek के Dimensity 7050 जो कि 6nm बेस प्रोसेसर है और ये आता है 5000mAh बैटरी के साथ और 45W चार्जर के साथ और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा स्टूडियो स्पीकर और 6GB रैम और 8GB रैम का ऑप्शन मिलेगा जो कि LPDDR4X रैम होगा और 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज और जो कि ये UFS 3.1 स्टोरेज है जो कि काफी फास्ट है। और साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ये आता है एंड्रॉइड 14 के साथ। और बात करें इसकी कैमरा की, इसमें आपको मिल जाएगा 50 megapixel+2 megapixel का रियर में कैमरा और साथ ही इसमें आपको फ्रंट में 16 megapixel का कैमरा मिलता है जो कि काफी अच्छा कैमरा है। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये था टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स आपको इसमें दिखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नंबर 4 और नंबर 5 को स्किप करना चाहिए और नंबर 3 से लेके नंबर 1 में आपको जो भी फोन पसंद आया हो उसका फुल डिटेल में जो रिव्यू वीडियो है वो YouTube पे पहले देखिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर से किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए, तो अगर आप 20,000 के रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए।